नमस्कार, 7 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मॉर्निंग जी का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और मॉर्निंग जी में हम आपको अब तक की हर एक खबर पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। और पहली खबर यह है कि दिल्ली में दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन फूट फूट कर रोया है। दिल्ली पुलिस ने जब सवालों की बौछार की तो ताहिर की आंखों से आंसू निकल आए। सवाल यह है कि खुद को मासूम साबित करने के लिए ताहिर हुसैन घड़ियाली आंसू बहा रहा है। अब तो पुलिस ने ताहिर के खिलाफ एक और FIR दर्ज की है। ताहिर हुसैन उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा का आरोपी। वही ताहिर है। पुलिस ने ताहिर के पड़ोसी, पिता बेटे लियाकत और रियासत को गिरफ्तार किया है। दोनों पर चांद बाग में हिंसा का आरोप है। रियासत पेशे से कपड़ों की लास्टिक का काम करता है। पुलिस ने ताहिर हुसैन को शरण देने के आरोप में ताहिर की फैक्ट्री के मैनेजर तारिक रिजवी को गिरफ्तार किया है। तारिक रिजवी ने ताहिर हुसैन को फरारी के दौरान जाकिर नगर में अपने घर में छिपाया था। पुलिस ने ताहिर हुसैन, लियाकत, रियासत और तारिक रिजवी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी की। पुलिस ताहिर हुसैन की पत्नी से भी पूछताछ करेगी जो अभी तक घर पर मौजूद नहीं है। ताहिर हुसैन पर चांदबाग में दंगा भड़काने, IB कर्मचारी अंक शर्मा की हत्या, सबूत मिटाने और अब मिठाई की दुकान में आग लगाने का आरोप है। पुलिस ने दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक 690 FIR दर्ज की है। 2193 लोग गिरफ्तार या हिरासत में हैं। 50 लोगों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जबकि 48 लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। शांति और सौहार्द बहाली के लिए 262 अमन कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ने धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। अमानतुल्ला ने कहा कि ताहिर हुसैन को इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो मुस्लिम है। अमानतुल्ला के इस बयान पर BJP ने पलटवार कर दिया। दिल्ली में दंगे भड़काने का आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन। आम आदमी पार्टी ने ताहिर को निलंबित कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही एक विधायक हैं जिन्होंने जांच से पहले ही ताहिर को बेगुनाही का तमगा दे दिया है। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी को धार्मिक रंग भी दे दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी पर मुस्लिम कार्ड खेला है। अमानतुल्ला खान ने ट्वीट करके कहा, आज ताहिर हुसैन सिर्फ इस बात की सजा काट रहा है कि वो एक मुस्लिम है। शायद आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह मुस्लिम होना है। ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये साबित कर दिया जाए कि दिल्ली की हिंसा ताहिर हुसैन ने कराई थी। अमानतुल्ला खान के इस ट्वीट के बाद BJP ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। दिल्ली से BJP सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर जवाब दिया, सुंदरकांड का पाठ कराने चले और कुछ सुंदर न रहा, पर सुनियोजित कांड जरूर हुआ। अरविंद केजरीवाल जी देश की सुरक्षा करने वाले अंकित शर्मा पर 400 वार हुए, जिसका आरोप ताहिर पर है, और अपनी जुबान से देश को बांटने और धर्म पर वार करने का काम आपके विधायक कर रहे हैं। सवाल आपकी नीयत पर है। दिल्ली BJP के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी अमानतुल्ला खान पर निशाना साधा। तेजिंदर पाल ने ट्वीट कर कहा, आप तो वो हैं जिनके हिसाब से बाटला हाउस के आतंकवादी भी बेगुनाह थे। कल को आप ये भी कह देंगे कि बाबर, औरंगजेब भी बेगुनाह थे, तैमूर लंग भी बेगुनाह थे, गौरी, गजनवी भी बेगुनाह थे।
इस बीच मुंबई से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने भी अमानतुल्ला के बयान का समर्थन करते हुए ताहिर हुसैन को बेगुनाह बताया। मैं ये अमानतुल्ला खान की जो ट्वीट है इसको 100% सही मानता हूँ। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा कौन है लोग जिन्होंने नफरत का भाषण किया लेकिन पकड़े नहीं गए आज तक। ताहिर अपने आप को डिफेंस में बचने की बात किया तो ताहिर को आज दंगों का सबसे मेन आदमी करके जेल भेज दिया जा रहा है। इंक्वायरी करिए, मैं किसी दंगाई को रोकने की बात नहीं करता हूँ। सिर्फ आपको एक ही आदमी दिख रहा है, ताहिर 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 की सजा, ताहिर ने गलती किया, इंक्वायरी करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को छोड़ो, लेकिन उसके सामने इतने लोग हैं जिन्होंने इस दंगे को भड़काया, इस दंगे में काम किया। दंगों के बाद जब ताहिर हुसैन का नाम सामने आने लगा था तब गीतकार जावेद अख्तर ने भी ताहिर का समर्थन करते हुए इशारों में कहा था कि दिल्ली पुलिस ताहिर के मुस्लिम होने की वजह से कार्रवाई कर रही है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा था, कई मारे गए, कई घायल हुए, कई घर जला दिए गए, कई दुकानें लूटी गईं और ढेर सारे लोग बेघर हो गए, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक ही घर को सील किया और उसके मालिक की तलाश में है। संयोग से उसका नाम ताहिर है। दिल्ली पुलिस की निरंतरता को सलाम। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों में हिंदू भी मारे गए और मुसलमान भी मारे गए। दंगाइयों ने किसी को नहीं बख्शा। ऐसे में दंगों को धार्मिक रंग देना, मुस्लिम कार्ड खेलना गंदी सियासत नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।